गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू आर डूइंग गुड. आज 17th दिसंबर है, दिन है मंडे. आई एम श्योर यू ऑल हैव एंजॉयड योर वीकेंड. आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ, ऑल एक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम थॉट. सो इट इज थॉट्स दैट मैटर. ये कहा है साई बाबा ने. थॉट्स यानी कि हमारे जो विचार हैं उसकी ताकत का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ. एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. आप सोचिए राइट इस चीज़ के बारे में कि एक ऐसा दिन था जब आपने तय किया था कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर करेंगे, और आज देखिए कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं. तो वो भी एक छोटा सा विचार था, और आज उस विचार की ताकत को देखिए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जितने भी थॉट्स हैं उनको हम पॉजिटिव रखें. इसके साथ आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे वाइडनिंग गल्फ. ये वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया के साथ जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बांग्लादेश और भारत के जो रिलेशनशिप हैं, और बांग्लादेश हमारे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे. इसी के साथ साथ जो गलतियां हमने नेपाल, भूटान और दूसरे देशों के साथ की हैं, वो गलती हमें बांग्लादेश के साथ नहीं करनी चाहिए. तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद देखेंगे द नंबर्स गेम. इसमें दो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. और ए डिफरेंट राइटिंग, ये सिनेमा के ऊपर है, स्टोरी टेलिंग के ऊपर है, और इसका इम्पैक्ट कैसे हमारे सामाजिक जीवन के ऊपर पड़ता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है. और ये वाला जो आर्टिकल है, ओल्ड वर्सेस न्यू, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. ये श्रीलंका का जो ये ट्रायंगल बना हुआ था तो उसके ऊपर है. अब चीज़ें धीरे धीरे रिस्टोर हो रही हैं. चीज़ें जो प्रॉब्लम्स थे, पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पर जो थी, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है. तो इसके ऊपर एक आर्टिकल है. हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि एक तरफ है विक्रमा सिंघे, दूसरी तरफ थे राजपक्षे, और एक तरफ थे सिरिसेना. सिरिसेना जो हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट है, विक्रमा सिंघे प्राइम मिनिस्टर थे. फिर सिरिसेना ने राजपक्षे को प्राइम मिनिस्टर बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया, वहाँ की पार्लियामेंट ने इसको रिजेक्ट किया. तो ये अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं है. अब वापस ऑफिशियली इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है, या फिर बना भी दिया है. आज के न्यूज़ के आइटम के ऊपर, न्यूज़ आइटम के ऊपर भी नज़र डालेंगे, तब इसके ऊपर और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमने काफ़ी बार बातचीत कर ली है, और कोई भी ऐसी नई चीज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है. तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फोर आर्टिकल्स. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे पेनड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज जो हैं, ये अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल हैं. और गुड न्यूज़ ये है कि फ्लैट 60% डिस्काउंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. ये बिग क्रिसमस सेल है जिसकी वैलिडिटी 25th दिसंबर तक ही है. तो आज ही अपना पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज जो हैं उसको studyiq.com के ऊपर विजिट करके ऑर्डर कीजिएगा. कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमें इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि जैसे मैं अपने दिन की शुरुआत कुछ आपके साथ शेयर करके करता हूँ, इसी तरह से मैं चाहता हूं, और ये रिक्वेस्ट भी है कि आप भी इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो लिंक को आप अपने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में अगर कोई है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उन सारे स्टूडेंट्स के साथ भी इस लिंक को आप शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एरिया आप देख रहे हैं इसको कहते हैं वेस्ट एशिया. स्पेसिफिकली हम इन सारे देशों की बात कर रहे हैं, राइट. तो वेस्ट एशिया में दो सुपर पावर हैं. सुपर पावर यानी कि इस रीजन के दो पावर हैं, एक है सऊदी अरेबिया और दूसरा है ईरान. अब ऑफ कोर्स एक ही जंगल में अगर दो शेर हैं तो आपको पता है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार का होगा, एक कंपटीशन का होगा. तो सेम थिंग यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है. सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक कंपटीशन है. रिलीजियस कंटेक्स्ट से देखा जाए तो सऊदी अरेबिया जो है ये एक सुन्नी देश है, और ईरान जो है ये एक शिया देश है. तो ये भी एक रीज़न है, दोनों देशों के बीच में एक तकरार हमें देखने को मिलता है. लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, या फिर जो मेन रीज़न है कंपटीशन का, वो रिलीजन नहीं है, वो है पावर, इकोनॉमिक पावर. दोनों देश गैस और ऑयल के साथ जुड़े हुए देश हैं. इनका ये पूरा रीजन जो है, ये ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज, ये गैस, ऑयल एक्सेट्रा, फ्यूल, बेसिकली फ्यूल के प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ ये रीजन है. अलग अलग देश की अलग अलग कैपेसिटी है, और हर कोई चाहेगा कि सबसे ज़्यादा जो मार्केट है पूरे वर्ल्ड की वो कवर करे. तो एक कॉम्पिटिशन इस कंटेक्स में भी है.
अब ये जो ऑयल है या फिर यहाँ पर मैं फ्यूल शब्द का उपयोग करता हूँ, चलिए, तो फ्यूल जो सबसे ज़्यादा बेचेगा वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा तो उनके पास उतना ही अच्छा डिफेंस और उतनी अच्छी फैसिलिटीज़, यू नो, सारी चीज़ें उस देश के पास होगी और उस प्रकार से डिसाइड होगा कि कौन सा देश जो है वो यहाँ पर पावरफुल देश है। तो एक इस प्रकार की भी कंपटीशन जो है दोनों देशों के बीच में चलती रहती है। अब कुछ देश यहाँ पर ऐसे हैं जो ईरान की टीम में हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया की टीम में हैं। आज जिस देश के बारे में हम बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली ये जो एडिटोरियल है वो कतार के बारे में है। कतार एक छोटा सा देश है। मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको बहरीन के बारे में कुछ पूछा था, राइट, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछा था। तो ये जो बहरीन है वो कतार से बहुत ही नज़दीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, आप कतार को अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि इस पूरे रीजन को आपने स्टडी किया है। तो कतार का कैपिटल है दोहा और ये न्यूज़ में इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्शियन गल्फ है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, जो ऑयल प्रोडक्शन है वो इस जगह, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। और फिर यहाँ पर हैं, यहाँ से एक निकलने वाला रास्ता है, राइट, ये इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, राइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक, आप कह सकते हैं, समुद्र की एक नहर है, क्योंकि अगर इसको ब्लॉक कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो फिर जितना भी यहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन इसी एरिया में होता है पर्शियन गल्फ में, तो ये जितना भी ऑयल है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया की सिस्टम क्या हो सकती है आप जान सकते हैं। विदाउट फ्यूल, विदाउट डीजल, विदाउट पेट्रोल, गैस, पूरी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो डाउन चली जाएगी। तो ये हो सकता है इसका इम्पैक्ट। भारत के बारे में हमने कई बार बात की है कि इंडिया जो है ये 80% अपना ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है, तो यहाँ पर शांति बनी रहे वो भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी यहाँ पर तनाव होता है, इस रीजन में तनाव होता है, तब भारत के ऊपर इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली जाती हैं और प्राइस ऊपर होने से फिर गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर प्रेशर बनने लगता है और सरकार भी गिर सकती है, यू नो, एक ऐसी चीज़ के कारण जिस चीज़ का कंट्रोल हमारे पास नहीं है तो भी इसकी इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर हो सकती है। अब 9 दिसंबर 2018 को एक मीटिंग हुई थी रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया में, और ये जो मीटिंग है ये थी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 मेंबर हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, ये रहे 6 मेंबर। तो बहरीन है अल्फाबेटिकली, बहरीन, फिर कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 6 देश जो हैं ये इस GCC यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। अब कतार के जो राजा हैं एमिर, उन्होंने अपने आप को इस मीटिंग में एब्सेंट रखा, वो इस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ पर भेजा था। तो इससे सऊदी अरेबिया थोड़ा नाराज़ हो गया है और इसके पीछे मेन रीज़न ये हैं कि यहाँ पर जो कतार के राजा है वो वहाँ पर नहीं गए। उसके पीछे मेन रीज़न ये है क्योंकि जून 2017 से कतार जो हैं उसको 3 GCC कंट्रीज ने ब्लॉक किया है, उनके ऊपर एक ब्लॉकेड लगाया है। कतार के ऊपर सऊदी अरेबिया ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि आप जो हैं वो टेररिज्म को फंड करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इस रीजन में एक पावरफुल देश जो है वो है सऊदी अरेबिया, तो ये GCC जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट या फिर इसका लीडर कौन होगा, ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया होगा। तो सऊदी अरेबिया ने ये इल्ज़ाम लगाया है और इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि कतार जो एक देश है, इसने ये GCC का मेंबर है। आप देखिए, आप आई एम श्योर आप बहुत सारी चीज़ें इस गल्फ रीजन के बारे में जानते होंगे, तो आपको पता है कि ये सारे देश जो हैं ये प्रीडोमिनेंटली सुन्नी देश है, ये कतार और दूसरे देश। तो अब कतार एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप ईरान के साथ काफ़ी अच्छे हैं, और सऊदी अरेबिया और ईरान के बारे में आप जानते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो फिर कतार ने जब इनके साथ रिलेशनशिप को और मजबूत किया तो ये चीज़ जो है वो सऊदी अरेबिया को अच्छी नहीं लगी। तो सऊदी अरेबिया की टीम में जो कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि UAE, फिर ये बहरीन, तो ये 3 देशों ने कतार के साथ बातचीत करना बंद कर दिया, अपने जो एनवॉय थे या फिर राजदूत जो थे उनको भी वापस भेज दिया, अपने राजदूतों को वापस बुला लिया, कतार के जो एम्बेसडर थे उनको वापस भेज दिया। इसके साथ इजिप्त भी इसमें ज्वाइंट हुआ था, सूडान भी ज्वाइंट हुआ था, तो ये सारे देश ने
कतार के साथ अपने जो रिलेशनशिप हैं उसको तोड़ दिए थे। तो इसी चीज़ से नाराज़ होकर कतार ने ये बताया है कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अगर आपको हमारे साथ डिस्कशन करनी है, तो फिर आप ये जो ब्लॉकेट है सबसे पहले हटाइए, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। आपने हमारे ऊपर ब्लॉकेट लगाया ही क्यों, अब आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको ब्लॉकेट हटाना होगा। एक पर्सनल इनविटेशन भी भेजा था जो सऊदी अरेबिया के राजा है, जिनको यू नो आप अगेन ए कल्चरल थिंग है, इस रीजन का सबसे ताकतवर अगर कोई देश है तो उसके जो राजा हैं वो भी सबसे ताकतवर हैं यहाँ पर। तो एक ऐसा व्यक्ति राइट जो यहाँ पर बहुत पावरफुल है, उन्होंने एक पर्सनल इन्विटेशन भेजा था कतार के राजा को, लेकिन फिर भी वो नहीं गए। जो डीफेक्टो जिसको कहते हैं कि जिनके पास रिमोट कंट्रोल है पूरे सऊदी अरेबिया का, MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी कुछ पॉजिटिव रिमार्क्स रखी थी, लेकिन फिर भी कतार जो है वो उपस्थित नहीं रहा। कतार वैसे कोई कमज़ोर देश नहीं है, कतार एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। वन ऑफ द अगर आप लाइफस्टाइल की बात करें तो आप देखिए वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री में इसका नाम आता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस की अगर बात करें तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, नंबर वन एक्सपोर्टर हैं LNG का। और कतार ने यह भी बताया है कि वो आने वाले टाइम में ओपेक में से भी बाहर निकल सकता है, और ये चिंता का विषय है क्योंकि 1960 से इस ओपेक की शुरुआत हुई और पहली बार ऐसी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि एक अरेबिक कंट्री ओपेक से बाहर निकलने की बात कर रहा है। ये हैं वो चार देशों के बारे में जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। माफ़ कीजिएगा, इसमें शायद सूडान नहीं है, मैंने सूडान कहा तो सूडान नहीं है, लेकिन इजिप्त है इसमें। तो इजिप्त, सऊदी अरेबिया, ये चार देशों ने 2017 जून में कतार के ऊपर एक ब्लॉकेड रखा था। तो एक छोटा सा मैप मुझे मिला तो सोचा कि एक पिक्चर, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर किया जाए। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो देश है ये ओपेक के मेंबर्स हैं। तो ये ओपेक जो है ये ऑयल प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए जितने भी देश हैं, तो ये सारे देश हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखिए वेस्ट एशिया के देश देखने को मिलते हैं, अरेबिक कंट्रीज देखने को मिलते हैं, और बाद में कुछ नाइजीरिया भी एक अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट देश है और ऑयल प्रोडक्शन में काफ़ी आगे हैं। इक्वाडोर और वेनेजुएला, हम दो तीन दिनों पहले आप ये साउथ अमेरिका जो दक्षिण अमेरिका है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये दोनों देश जो हैं ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं। ये भी चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि मैंने आपको लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में एक प्रश्न पूछा था, तो आई एम श्योर आपने इन देशों को भी ऑब्जर्व किया होगा। नाउ द थिंग इज़ कि सऊदी अरेबिया जो है वो ओमान और कुवैत से भी अपसेट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि छः देश हैं इस GCC के, तो बहरीन, फिर ये जो सऊदी अरेबिया है और UAE, ये तीन देशों ने तो, एक देश जो है कतार, तो इसके साथ बातचीत करना बंद कर दी, लेकिन ओमान और कतार, बिग पार्डन, ओमान और कुवैत, ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने इस कतार के ऊपर ब्लॉकेड नहीं रखा। तो इससे सऊदी अरेबिया थोड़ा नाराज़ है, उन्होंने कहा कि भाई आप भी इनके ऊपर ऐसा ब्लॉकेड लगाइए ताकि इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो। लेकिन कुवैत जो है वो मीडिएशन का काम कर रहा था, ये दोनों देशों के बीच में जो एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो इसके लिए काम बातचीत कर रहा था, लेकिन फिर सऊदी अरेबिया इससे नाराज़ हो गया। और फिर MBS जो कुवैत की यात्रा पर गए थे, दो दिनों की यात्रा थी उनकी, लेकिन वो कुछ ही आवर्स में वापस आ गए। तो सऊदी अरेबिया और कुवैत के बीच में भी थोड़ा बहुत तकरार हमें देखने को, एक यू नो एक तीखापन है अभी फ़िलहाल थोड़ा। ओमान जो है, यानी कि ये ओमान का जो मस्कत है ये काफ़ी फेमस है, और गुजरात में तो ये काफ़ी फेमस है। आप जानते होंगे कि बहुत सारे गुजरात के लोग जो हैं वो ओमान में काम करते हैं। तो ओमान ने अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसको काफ़ी इंडिपेंडेंट रखी है। ओमान ने ईरान के साथ भी रिलेशनशिप रखे हैं, ओमान ने कतार के साथ भी और सऊदी अरेबिया के साथ भी अपने रिलेशनशिप रखे हैं। ये जो ब्लॉकेड हुआ उससे कतार और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है। हमास जो गाज़ा पोर्शन है उसका जो एक रूलिंग ग्रुप है हमास, तो उसको और ज़्यादा सपोर्ट देने लगा है। तुर्की जो है वो कतार में अपना मिलिट्री बेस, मिलिट्री कैंप बनाने वाला है, और इसी के साथ ये ईरान के साथ टाई कट करने की जो बात है उसको भी बहुत एग्रेसिवली अब डिफेंड कर रहा है कतार। और गल्फ़ का विज़न था, ये जो देश थे उन्होंने एक बार ऐसा सोचा था ये सारे देशों ने कि भाई हमारी एक कॉमन करेंसी होगी, कनेक्टिविटी होगी हमारे सब देशों के बीच में, ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होती थी, ऐसा एक विज़न था, ऐसा एक सपना था इन देशों का।
लेकिन आज ये सपना जो है वो अभी जहाँ पर हैं वहाँ से लग रहा है कि ये सपना जो है वो शायद आने वाले कुछ सालों तक, कुछ दशकों तक तो ये पूरा नहीं होगा. तो आई एम श्योर आज इस वेस्ट एशिया रीजन के बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल गई होगी. अब हम बात करते हैं द स्पेक्टर ऑफ डिपोर्टेशन के बारे में. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो NCR है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो इसकी जो एक डेडलाइन थी 15 दिसंबर, इसकी डेडलाइन थी, तो इसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिया है. तो जितने भी लोग हैं जो जिनका नाम ये NCR ड्राफ्ट NCR में नहीं था, कुछ 40 लाख जितने ऐसे लोग हैं, तो अगर वो क्लेम करना चाहते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्शन है उनको इस NCR और उसमें जो नाम दिए गए हैं उसके साथ, तो वो 31 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करके प्रूव कर सकते हैं कि वो भारत के सिटीज़न हैं. अब इतिहास में थोड़ा इतिहास के थोड़े पन्ने पलटे तो हमें पता है कि 1971 में जब ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और उससे पहले पाकिस्तान जो है, जो वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, तो उसके लोग कैसे, उसकी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से ये जो बांग्लादेश के लोग हैं तो उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, तो इन सारी चीज़ों से छूट कर बहुत सारे लोग हमारे देश में आसाम में आ गए और फिर वो वहीं पर रहते हैं. और आज ये पॉलिटिकल सेटअप ऐसा चल रहा है कि भाई लोग चाहते हैं, कुछ लोगों ने अलग अलग रीजन में ऐसी डिमांड हो रही है कि भाई अगर आप इस देश के नहीं हैं, अगर सिटीजनशिप नहीं है, तो आप वापस अपने देश में चले जाइए. तो इस प्रकार की एक लहर जो है वो हमें आसाम और इस रीजन में देखने को मिलती हैं. नाउ द थिंग इज के बहुत कम लोग शायद इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं, या फिर उनको पता है कि 5 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस, राइट, 5 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो बांग्लादेश में रहते हैं, राइट. और ये टोटल जो हैं इसमें सारे के सारे 5 लाख में 5 लाख लीगल नहीं हैं, बहुत सारे इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स भी बांग्लादेश में रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के लोग ही भारत आ गए हैं और वापस जाने का नाम नहीं रह रहे हैं, बहुत सारे भारतीय भी बांग्लादेश में रहते हैं और वो भी इलीगली. तो ये एक चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा. दूसरी जो चीज़ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इस चीज़ के बारे में आज तक पता नहीं था कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अगर हमारे देश को किसी देश में से मिलता है तो वो है बांग्लादेश, राइट. UAE, USA, सऊदी अरेबिया, कतार, UK, ये सारे देश नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए रेमिटेंस क्या है वो समझा देता हूँ. NRIs के बारे में कई बार ये कहा जाता है कि हमारे देश के प्रॉब्लम्स को छोड़कर वो सारे लोग जो हैं वो दूसरे देश में चले गए, ये एक नेगेटिव बात होगी. रेमिटेंस यानी कि ये जो NRIs हैं ये अलग अलग देशों में काम करते हैं, और वहाँ पर जो भी पैसे वो अर्न करते हैं, जो भी पैसे बचते हैं उनकी जो सेविंग है, उसका एक पार्ट वो भारत वापस भेजते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, या फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पैसे वापस घर भेजते हैं, तो ये पैसे इनकमिंग पैसे हुए भारत के लिए, और ये जो पैसे हैं उसका उपयोग यहाँ की चीज़ें जो हैं उसको खरीदने में किया जाता है. तो देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है. तो NRI का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कोई है तो ये है, तो इसको कहते हैं रेमिटेंस, राइट. जब NRIs जब पैसे वापस भेजते हैं तो एक शब्द जो है उसका उपयोग होता है, तो यह है रेमिटेंस. तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेमिटेंस का सोर्स हमारे देश का अगर कोई है तो यह है बांग्लादेश. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो एक चीज़ हमें इससे और पता चलती है अगर रीड बिटवीन द लाइंस करें तो, ये कि कितने लोग भारत से बांग्लादेश में रहते होंगे, राइट. क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होगी, और उसके बाद ये सारे देश आते हैं, ये UAE, फिर USA, सऊदी अरेबिया, कतार, UK, USA, इन सारे देशों में हमारी जो पॉपुलेशन है वो रीज़नेबली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी पोस्ट और इनकम ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं. लेकिन बांग्लादेश से इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, और आप देखिए कि इन सारे देशों के साथ तो हमारा रुपी कन्वर्जन का जो रेशियो है वो भी काफ़ी, आपको पता है कि ये जो रियाल हैं और डॉलर हैं, पाउंड्स हैं, तो हमारी पोजीशन बहुत रुपीस की बहुत कम है, वैल्यू कम है, लेकिन बांग्लादेश की करेंसी के साथ अगर देखा जाए तो वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, फिर भी इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं. तो दैट इंडिकेट्स ए बिग, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है इन शॉर्ट. अब और एक चीज़ है कि बांग्लादेश के लोग जो यहाँ पर हैं,
ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर काम करते हैं तो वो इतनी अच्छी पोजीशन पर नहीं है, या फिर वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छी अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं, क्योंकि बांग्लादेश में मल्टीनेशनल कंपनीज भी बहुत ज़्यादा हैं, चाहे ये शिप ब्रेकिंग कंपनी हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ी हुई कंपनीज हो, जूट इंडस्ट्री के साथ, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं बांग्लादेश में हैं, और एनजीओ हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, तो ये सारी जगहों पर आपको भारतीय देखने को मिलते हैं। तो जब हम हमारे यहाँ से लोगों को वापस भेजने की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ से भी इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये एश्योरेंस दिया है कि जो एनआरसी में नहीं होंगे उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश वैसे भी ये पूरा जो रीजन है ये म्यांमार है, और यहाँ पर है कॉक्स बाज़ार, तो कॉक्स बाज़ार में कुछ कहा जाता है कि 10 लाख जितने रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं वो इस कॉक्स बाज़ार जो बांग्लादेश का एरिया है वहाँ पर रहते हैं, और वापस अगर भारत से लोगों को भेजा जाए तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। दिसंबर के एंड में वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन, तो इसके रिज़ल्ट के ऊपर भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। हमारी पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट, लेकिन देखिए 2015 में जो नेपाल के ऊपर हमने ब्लॉकेड लगाया था तो इससे नेपाल जो है वो चाइना की तरफ है। एक ऐसा टाइम था जब नेपाल कभी सोच भी नहीं सकता था, या फिर हम भी कभी सोच नहीं सकते थे कि नेपाल जो है वो चाइना को भारत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेगा, लेकिन ये जो ब्लॉकेड हमने किया तो चाइना ने इसको अपॉर्चुनिटी के कंटेक्स में देखा, और आज जो चाइना के 4 जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं तो उसको एक्सेस, नेपाल को एक्सेस दिया है कि आप अपनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से दुनिया में बेच सकते हैं। भूटान की बात करें तो BBIN में से भूटान निकल चुका है, तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि भूटान भी एक इंडिपेंडेंट, वैसे तो ओवरऑल रिलेशनशिप देखे जाए तो भारत और भूटान के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन नेपाल का ब्लॉकेड, फिर भूटान में प्रोजेक्ट्स हम टाइम पर कंप्लीट नहीं करते हैं, इसके साथ दूसरे ऐसे लोन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो भारतीय मीडिया में इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं तो क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये भी एक प्रश्न उठ रहा है भूटान में, तो इससे भी भारत और भूटान के रिलेशनशिप थोड़े बहुत हिलडुल गए हैं। श्रीलंका में देखिए क्या चीज़ें हो रही है, मालदीव्स में अब तो चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखें तो काफ़ी चीज़ें ख़राब थी। पाकिस्तान के बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी, तो बांग्लादेश एक ऐसा देश रहा है जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहे हैं। हमारा मोस्ट ट्रस्टेड अगर कोई फ्रेंड है इस रीजन में तो वो बांग्लादेश है। BSF के चीफ का भी ये कहना है कि अगर बांग्लादेश, ये BSF और BGB जो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, तो अगर इनका BGB का कोऑपरेशन ना होता तो फिर बांग्लादेश में जो जितने भी ये टेरर हाइड आउट्स थे तो उनको हम खत्म नहीं कर पाते। एनुअल बायलेटरल द्विपक्षीय जो हमारा व्यापार है वो है $9 बिलियन का, और हाल ही में आपको पता होगा चित्तगोंग और मोंगला जो पोर्ट हैं ये दोनों पोर्ट भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए बांग्लादेश ने खोल दिए हैं, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो एक लैंड लॉक्ड रीजन है इसको ये जो समंदर है उसका एक एक्सेस मिले। तो ये इतना एक देश इतना ज़्यादा हमारे लिए कर रहा है तो उस देश के साथ हमें इस प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, अगर हम करेंगे तो फिर ये होगा कि ये भी चाइना के पक्ष में चला जाएगा। अब बात करते हैं नंबर गेम के बारे में। अभी थोड़े दिनों तक पिछले कुछ दिनों तक हमने ये देखा है कि एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी रही है इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने कुछ रिवाइज्ड GDP के एस्टिमेट्स निकाले हैं, और बहुत ही शॉर्टली अगर कहूँ तो मनमोहन सिंह साहब की जो गवर्नमेंट थी उसका कंपैरिजन मोदी साहब की गवर्नमेंट के साथ किया गया, और देखने को मिला है कि पहले CSO का कहना यह था कि मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा था, अब कंपेयर किया जाता है और मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फिगर्स एंड नंबर्स, राइट। तो नीति आयोग ने मीन्स जब CSO ने 2015 में कुछ आंकड़े बाहर निकाले तो फिर नीति आयोग ने इसको रिजेक्ट किया, फिर रिवाइज अब एक आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है जिसके बारे में हमने बात करी। अब द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, एक बेस ईयर जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, तो एक बेस ईयर जो है इसको लिया जाता है, और अभी 2015 में ही हमने हमारे बेस ईयर को चेंज किया है, तो इसके ऊपर आपको MCQ पूछे जा सकते हैं। तो पहले 2004-2005 था, अब 2011-2012 जो हैं ये हमारी GDP और GAV को नापने के लिए एक बेस ईयर लिया जाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल ये दिया गया है कि
आपको जो एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज हैं ASI एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी हमें ऐड करना चाहिए। TCA अनंत जो हमारे पहले चीफ स्टैटिस्टिशियंस थे, जो काफ़ी एक वेल रिगार्डेड हैं, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं TCA अनंत, और इनका कहना ये था कि ASI के डेटा में जो जितनी भी चीज़ें छूट गई थी तो उसको ऐड करके हमें ये GDP के डेटा जो हैं उसको प्रिपेयर करने चाहिए। लेकिन वो मीन्स जब उनको बताया गया कि आप मीन्स वो रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं थे, ये MCA का जो डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का जो डेटा है, उसको ASI डेटा के साथ रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर उनके टेन्योर ख़त्म होने के बाद तुरंत बाद जो नए चीफ स्टैटिस्टिशियन आए, और उसके बाद हमें ये जो एक मेथड है, एक अलग मेथड है स्टैटिस्टिक्स की, वो हमें देखने को मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेथड क्या है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट नहीं होना है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि क्या हो रहा था। तो मान लीजिए एक आपकी ऑफिस है और एक आपकी फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री में चीज़ें बनाते हैं, और चलिए मान लीजिए आप खिलौनों की फैक्ट्री हैं आपकी, और एक आपकी ऑफिस है एक सिटी एरिया में, और खिलौने का ऑर्डर आप यहाँ से भी लेते हैं। अगर मैं आपके पास आऊँ और कहूँ कि मुझे 2 खिलौने चाहिए, तो आप मुझे बेच देंगे, वहाँ से आप मुझे एक रिसिप्ट दे देंगे, पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर मेरे घर पे वो खिलौना जो है वो डिलीवर कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपकी फैक्ट्री में डायरेक्ट जा सकता हूँ और यहाँ से भी खिलौना खरीद सकता हूँ। तो एक है आपकी ऑफिस और एक है यहाँ पर फैक्ट्री। मैं बहुत ही आपको एक समझ में आया इस प्रकार का एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग है और यहाँ पर एक ऑफिशियल चीज़ हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं अगर आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजिशन है उसका एक आकलन करना चाहूँ, इसका एनालिसिस करना चाहूँ, तो मुझे दोनों जो हैं, आपकी फैक्ट्री में क्या खर्च हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, और आपकी जो ये ऑफिस है इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये सारी अलग अलग चीज़ों को मुझे काउंट करना होगा, तभी मुझे आपके ओवरऑल बिजनेस के बारे में पता चलेगा। अगर मैं सिर्फ आपकी फैक्ट्री के बारे में एक जगह पर मैं दोनों चीज़ों को देखता हूँ और दूसरी जगह पर सिर्फ फैक्ट्री के ऊपर नज़र डालता हूँ, तो फिर ऐसी ही दूसरी फैक्ट्री के साथ आपका कंपैरिजन हो तो वहाँ की दोनों चीज़ों को मैं गिनता हूँ, ऑफिस के खर्च अगर शायद ज़्यादा हैं तो उस खर्च को जब हम देखेंगे, ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हमें एक जो एक आंकड़ा मिलेगा वो सिर्फ एक फैक्ट्री वाला सेटअप होगा, उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़े खर्चे ज़्यादा हैं। तो ये डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को गिनना चाहिए, और जब एक चीज़ को इग्नोर किया जाता है तब आंकड़े जो हैं वो अप एंड डाउन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की कुछ मेथड्स जो हैं वो नए आंकड़ों में, जो नया आकलन किया है तो उसमें देखने को मिली है, ऐसा इस आर्टिकल में हमें पढ़ने को मिलता है। ए डिफरेंट रेटिंग, अब ये जो आर्टिकल है इसमें ये बात की गई है कि बॉलीवुड की जो फिल्म है उसमें आप एक सर्टिफिकेट जो होता है तो उस सर्टिफिकेट में ऐड कीजिए कि ये जो फिल्म है इसमें जो महिलाएं हैं तो उनको किस प्रकार से प्रोजेक्ट किया गया है। बहुत सारी फिल्मों में एक एनालिसिस की गई 4000 फिल्मों की 1970 से लेकर 2017 तक, तो 4000 फिल्मों में से सिर्फ 30 ऐसी फिल्में निकली बॉलीवुड या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जिसमें महिलाओं को एक अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था, बाकी सारी जगहों पर आपको कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि भाई आप सर्टिफिकेट्स दीजिए, लेकिन इस चीज़ के साथ मैं एग्री नहीं हूँ, क्योंकि फिल्में जो हैं वो जो स्टोरीज़ हैं ये सारी चीज़ें कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती हैं। हाँ, एक चीज़ है कि क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन के माध्यम से चीज़ों को डिफरेंट किया जाता है, लेकिन फिर कई बार ये भी चैलेंज हो जाता है फिल्म डायरेक्टर्स के लिए कि वो स्टोरी जो है वो आपको या फिर लोगों को वो चीज़ जो है वो रियलिटी के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सुपर हीरोज़ ज़्यादा होते हैं फिल्में भी आप देखेंगे तो उसमें हीरोज़ के जो रोल हैं वो मेल जो कैरेक्टर हैं उसका रोल थोड़ा एक डोमिनेंस रहता है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि सोसाइटी में वो चीज़ चल रही है, तो जब तक सोसाइटी में वो चेंज नहीं होगा आप कितनी भी फिल्में बना लीजिए आपको वो एक चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें हमारे घर से शुरुआत करनी होगी, खास करके जो बॉयज़ हैं उनकी अपब्रिंगिंग और गर्ल्स की अपब्रिंगिंग में हमें उनको हिम्मतवान बनाना होगा और बॉयज़ की अपब्रिंगिंग में हमें उनको सेंसिटिव बनाना होगा। तो ये दो चीज़ों को अगर किया जाए तो धीरे धीरे जो हैं सोसाइटी
चेंज हो सकती हैं. ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग जो है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. आज जितनी भी एडवर्टीजमेंट आप देखें राइट, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट बैकग्राउंड है तो मुझे पता है कि अच्छी जो स्टोरी होती है, मार्केटिंग का फंडा यह है कि अगर आप एक अच्छी स्टोरी कन्वे कर देते हैं, अच्छी यानी कि जो कहने वाला है और सुनने वाला है वो दोनों समझ जाएं, तो फिर ये जो स्टोरी है या फिर ये जो एडवर्टीजमेंट है वो काम करती है, उसकी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है. तो सेम थिंग गोज़ विद द फिल्म्स एज वेल. लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो भूपेश बाघेल जो हैं वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बन गए. सिरिसेना फिर से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं. नेवी जो है ये मेरीटाइम सिक्योरिटी के सेंटर को इनॉग्रेट करने वाली है. इसका नाम है इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर और इससे जो वाइट शिपिंग है या फिर जो मर्चेंट नेवी है जिससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, तो नेवी इसकी रक्षा करेगी और इसी के साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे यानी कि अलग अलग देशों के साथ शेयर करेंगे, ताकि यू नो इन्फॉर्मेशन जब शेयर होगी तो बिजनेस अच्छा हो जाएगा. कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये एक इन्फोग्राफिक है और पूरा आर्टिकल भी आपको द हिंदू में पढ़ने को मिल जाएगा. इंडिया इज़ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ मालदीव्स, ये कहा है प्रेसिडेंट सोली ने जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं. गवर्नमेंट कुछ टाइम में इन फ्लाइट कॉल्स यानी कि अब आप प्लेन में से भी कॉल कर सकेंगे, तो इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है. क्लाइमेट टॉक डिलीवर रूल बुक, तो एक अच्छी खबर आ रही है COP24 से कि रूल बुक जो है वो तय हो चुकी है. तो दैट्स अ बिग थिंग. कल तक ये तय नहीं हुई थी लेकिन आज ये तय हो चुकी है, तो दैट्स अ गुड न्यूज. और एक सर्वे किया AIMO ने और इसके मुताबिक MSME ने 35 लाख जॉब्स जो हैं लॉस हुई है. डच यानी कि जो नेदरलैंड्स हैं ये एक देश है यूरोप का और डच यानी कि के लोग हैं. तो नेदरलैंड्स जो हैं ये आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएशन में बिल्डिंग में बहुत आगे हैं. आपको शायद पता ना हो तो बता दूं कि साउथ चाइना सी में भी जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं, दुनिया के किसी भी आर्टिफिशियल आइलैंड की अगर हम बात करें तो उसमें आपको ये जो नेदरलैंड्स हैं उनकी ही शिप्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं. तो ये बहुत आगे हैं और उन्होंने ये एक मार्कमीर नाम की जगह जो है ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है तो उनको क्रिएट किया है और इससे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो फिर से रिजुविनेट होगी, ये बता रहा है नेदरलैंड्स. जो हमारा एक पक्षी है, एक बर्ड है इंडियन बस्टर्ड, अब ये ख़त्म होने की वर्ज पे है, कगार पर हैं. 150 इंडिविजुअल्स ही बचे हैं कुछ 5 स्टेट्स में. ये शेड्यूल 1 एनिमल है तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा. और इकोनॉमी, टूरिस्ट इकोनॉमी हमारे देश की देखी जाए तो तमिलनाडु जो है डोमेस्टिक टूरिज्म में आगे हैं और फॉरेन टूरिज्म में महाराष्ट्र आगे हैं. टूरिज्म सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है और टूरिज्म की कैपेसिटी ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकता है. हमारे देश की वैरायटी डाइवर्सिटी क्या है आप जानते हैं और आप 100 रुपये टूरिज़म के पीछे इन्वेस्ट करते हैं और 100 रुपये मैन्युफैक्चरिंग के पीछे इन्वेस्ट करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में कम जॉब्स क्रिएट होगी, टूरिज्म में फॉर्मल जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होगी. तो ये ताकत है टूरिज्म की. अब इसको कैसे हम डेवलप करें वो हमारे ऊपर है. कुछ वोकैब्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्पेक्टर गैम्बिट एक्सीडिंग कोवेटेड एंड हेल्म. और आज का जो मैप बेस्ड प्रश्न है मैंने सोचा कि इसी कॉन्टिनेंट को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. तो चिले के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, थैंक यू वेरी मच. ऐसा ही स्पिरिट जो है अब आपको फ्रेंच गायना के बारे में बताना है और इम्पोर्टेंट चीज़ें, पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं वो भी बताना मत भूलिएगा. पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे. और ये रहा आपका आंसर, ये आज आपका नया प्रश्न है. आज के लेक्चर की PDF आप मेरे FB पेज और ट्विटर हैंडल से डाउनलोड कर पाएंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन. आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में स्टिक कीजिएगा. आप सोच रहे होंगे कि ये जो छिले है उसके साथ जुड़े हुए आंसर्स कहाँ पे हैं, इनके आंसर्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं और इतने ज़्यादा हैं. तो आप कल का जो 15th दिसंबर का जो हिंदी वाला जो वीडियो लेक्चर है उसको देखिए, उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और आप देखिए कि आपके ही जो कलीग्स हैं, कोमेट्स जो हैं, उन्होंने कितने अच्छे आंसर्स पोस्ट किए हैं. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, एन्जॉय योर स्टडीज़. कल फिर से आपसे एक मुलाकात होगी. जय हिंद.